हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में और मेरी इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टिचिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक कुर्ती शेयर करूँगी जिसे मैंने सेल्फ डिज़ाइन किया है। इससे आपको आइडिया मिलेगा अगर आप भी कोई डिज़ाइनर कुर्ती मतलब सिलना चाहते हो या फिर अपने लिए रेडी कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो। यहाँ पर जो मैंने कुर्ती स्टिच कराई है तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखाऊँगी, तो आप उसमें देख लीजिएगा कि मैंने सबसे पहले अपनी कुर्ती का पैटर्न पसंद किया कि जिस पैटर्न की मुझे कुर्ती बनानी है उस डिज़ाइन को मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने उसके लिए फैब्रिक ख़रीदा। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती में कई तरह का फैब्रिक यूज किया हुआ है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो पहले आप इस फ़ोटो को देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। और मैंने फ़िलहाल सिर्फ इसकी कुर्ती डिज़ाइन की है, दुपट्टा डिज़ाइन नहीं किया है क्योंकि गोल्डन कलर में मेरे पास काफ़ी सारे दुपट्टे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये एक परफेक्ट ड्रेस है किसी भी पार्टी के लिए या फिर किसी भी फेस्टिव के लिए, बट क्या है कि मुझे सिर्फ अपने डेली यूज के लिए या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहनने के लिए चाहिए थी डिज़ाइनर। और मुझे इसका पैटर्न काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, तो बस मैंने खाली कुर्ती को डिज़ाइन किया है और इसे मैं अलग से दुपट्टे के साथ वेयर करती हूँ। चलिए देखते हैं कि मैंने इसे कैसे रेडी किया है, इसके लिए मैंने क्या क्या फैब्रिक लिया। मैं आपको यहाँ पर फैब्रिक की डिटेलिंग भी दूँगी और फैब्रिक का प्राइस भी यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो आपने यहाँ पर फ़ोटो में देख लिया है कि ये ड्रेस कैसी है और इसका डिज़ाइन कैसा है, इसमें कितने फैब्रिक यूज हुए हैं। तो मैं अभी आपको अपनी कुर्ती दिखाती हूँ। मैंने जो कुर्ती रेडी की है, क्योंकि देखिए सेम टू सेम फैब्रिक मिलना तो आसान नहीं होता मार्केट में, तो आप मिलता जुलता या फिर अपनी पसंद का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये आप देखेंगे ऊपर के लिए ये वाला फैब्रिक यूज किया है और नीचे ये वाला गोल्डन कलर का। तो ये वाला जो फैब्रिक है ये रेयॉन का फैब्रिक है, ये 130 रुपीज़ पर मीटर मुझे मिल गया था। और ये वाला जो फैब्रिक है इसका नीचे वाला ये 80 रुपीज़ पर मीटर मिला है। तो यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक ख़रीदा है ये वाला फैब्रिक मैंने 3.5 मीटर लिया था और ये वाला जो फैब्रिक है ये मैंने 1.5 मीटर लिया था क्योंकि इसमें हमें स्लीव्स भी निकालनी थी अच्छी तरीके से और नीचे भी डिज़ाइन डालना था इसमें। तो अभी मैं आपको ये वाली कुर्ती सारी दिखाती हूँ। तो ये तो हो गई फैब्रिक की बात। इसके अलावा इसमें एक फैब्रिक मैंने और यूज किया है, तो जो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ ये वाला फैब्रिक। तो ये जो फैब्रिक है ये ब्रोकेड का है और मेरे पास तो बचा हुआ था तो मैंने उसी को यूज किया है। या फिर आप चाहो तो 1 मीटर या 0.5 मीटर अलग से भी आप खरीद कर लगा सकते हो। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। आप देखेंगे कि ये जो रेडीमेड वाली कुर्ती है उसमें जो इसका बॉटम वाला ये जो डिज़ाइन है नीचे वाला, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, लेकिन मैंने इसको हैवी नहीं रखा हुआ है क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे डेली यूज के लिए एक कुर्ती बनानी थी डिज़ाइनर और मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो आप चाहें तो हैवी भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ ये वाला एक फैब्रिक और ये वाला एक फैब्रिक, दो तरह के फैब्रिक यहाँ पे यूज किए हैं। अगर आप इसको हैवी लुक देना चाहते हैं तो आप इस पर ऊपर दो तरह की लेसेस और लगा सकते हैं, तो ये आपका बॉर्डर नीचे का हैवी हो जाएगा। बाकी अभी हम इसके ऊपर की बात करते हैं, तो आप इसके गले का डिज़ाइन देख सकते हैं, बिल्कुल सेम डिज़ाइन मैंने वही बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक लेस को यूज किया है जो कि यहाँ पे काफ़ी सुंदर लुक क्रिएट कर रही है। और आप देखेंगे कि इसका जो ये बीच वाला हिस्सा है यहाँ पर इस वाली कुर्ती में इसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई है, लेकिन मैंने यहाँ पर मैं चाहती थी इसमें एम्ब्रॉयडरी भी कर सकती थी क्योंकि मुझे एम्ब्रॉयडरी करनी आती है हाथ से, लेकिन मैंने यहाँ पर इसमें पेंट कर दिया। यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक पेंट से कुछ फूल बना दिए हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और स्लीव्स भी मैंने इतनी ही बनाई है, स्लीव्स को मैंने एक्स्ट्रा लेसेस नहीं दी हैं, आप चाहें तो दे सकते हैं। और उसके बाद इसमें ये इसका बैक का है और ये इसका फ्रंट का डिज़ाइन, उसके बाद है इसमें ये वाले टेसल्स। तो ये टेसल्स मैंने खुद अपने आप से डिज़ाइन करके बनाए हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हैं, आप देख सकते हैं। ये फैब्रिक है और ये लेस है, दोनों को यूज करके मैंने ये बहुत ही सुंदर जो टेसल्स हैं ये बनाए हैं। और ये डोरी जो है इसकी यहाँ पर डाली है और इस वाली लेस के साथ, तो ये भी मैंने फैब्रिक से ही लेस बनाई है जैसा कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये देखिए
तो ये वाली लेस की बात अगर हम करें तो ये हमको 30-40 रुपीज़ पर मीटर मिल जाती है। अगर आप ये वाला जो मैंने आपको दिखाया फैब्रिक नहीं यूज करना चाहते तो आप इसकी जगह कोई लेस भी यूज कर सकते हैं, और मार्केट में काफ़ी आराम से आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन की और सुंदर सुंदर लेसेस मिल जाती हैं। तो ये है मेरी कुर्ती, अब मैं इसको आपको वेयर करके दिखाऊंगी कि इसका ऑल ओवर लुक कैसा आता है, और इसे मैंने खुद ही स्टिच किया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से आप डिज़ाइन बताकर टेलर से भी स्टिच करा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। ये कुर्ती मुझे 600 से 700 के बीच में पड़ गई थी सारी चीज़ें लगाकर। अगर आप इसके रेट देखेंगे, ये जो ब्रांडेड कुर्ती है ये रेन एंड रेनबो की है जिसका फ़ोटो मैंने आपको दिखाया है, इस कुर्ती के रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर आप कम प्राइस में पहनना चाहते हैं तो फिर अगर आप फुल भी इसमें वर्क कराएं, जितनी भी लेसेस इसमें यूज की हुई है या फिर दुपट्टा समेत, तब भी आपको ये 1000 से 1200 तक पड़ जाएगा। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप बहुत अच्छी आपको कोई कुर्ती पसंद आ रही है या फिर कोई ब्रांडेड कुर्ती इसका डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग फैब्रिक खरीद कर उसको डिज़ाइन करवा सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का बस मेरा एक यही लक्ष्य था। तो ये थी मेरी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप देख लीजिए मेरी कुर्ती का लुक।